तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई Redmi रेडी अपने K80 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। भाई इसके अंदर ना एक नहीं पूरे दो स्मार्टफोन है, Redmi K80, Redmi K80 Pro। बट ये तो चाइना में लॉन्च होगा, अपने आप भारत में डेफिनेटली लॉन्च होगा, बट एक ब्रांड बैठी हुई है जो कि रीब्रांड करती है, पता है ना कौन? जी हाँ, सही पहचाने आप, पोको। जी हाँ, पोको रेडी है Redmi K80 Pro को रीब्रांड करेगी पोको F7 अल्ट्रा के नाम से। ये लॉन्च होगा अपने आप भारत में कब तक, देखिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ही लॉन्च होगा, क्योंकि Redmi K80 Pro पहले लॉन्च होगा, यानी कि Redmi K80 सीरीज लॉन्च होने के बाद ही ये पोको BIS पर लिस्ट करेगा, फिर डेढ़ दो महीने बाद लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके लिए ना पूरा टाइम लगेगा, नेक्स्ट ईयर तक ही आपको देखने के Q1 तक देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो बताऊंगा Redmi K80 Pro के बारे में, इसकी डिटेल सामने आई हुई, कैमरा स्पेक सामने आया, माल मसाला सामने आ चुका है, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली इसका डिजाइन अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो अभी आगे आप देखेंगे ना वीडियोस और इमेजेस वो Redmi K70 Pro का ही होगा, ताकि तब देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ वैसा ही होगा, कैमरा प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं, कुछ नया सर्कुलर शेप में भी दिया जा सकता है, अभी निकल सामने आ रही है, वो खैर बात की बात है, बट माल मसाला क्या है वो सब बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बने रहिएगा, और पैसे कैसे कमाएंगे वो सब बताने वाला हूँ। एक काम करना है, फ्री है भाई साहब, आप सब वीडियो देखते नहीं, ये काम करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अनुप, आप देर खुद का टेक चैनल टेक्नो अनुप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं भाई साहब Redmi K80 Pro, यानी कि कह सकते हैं पोको F7 अल्ट्रा का क्या माल मसाला होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बताया जा रहा है कि पूरा ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा। जी हाँ, ग्लास का तो बैक होगा ही, एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ, बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है? फिलहाल बताया जा रहा है कि Xiaomi का ही इन हाउस रेडी किया गया है, यानी कि Xiaomi सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, दमदार है भाई साहब। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 209 ग्राम थिकनेस, 8.2 mm, साथ ही IP68 की रेटिंग देखने को मिलने वाली है, यानी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फोन का वेट कुछ ज्यादा ही है, लगता है कुछ ज्यादा ही माल मसाला ठोसा गया है। चलिए बात करते हैं अब डिजाइन की। दोस्तों डिजाइन की बात कहना, भाई देखिए डिजाइन से पहले बता दूं, आप बैकग्राउंड में ना कुछ क्रैकर की आवाज सुने या पटाखे की आवाज सुन रहे होंगे, क्योंकि दिवाली है भाई साहब और बच्चे छोटे इसको मना तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में केवल आएगा, उसके बाद में दिवाली के बाद ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। बट डिजाइन की बात करें, डिजाइन अभी सामने तो नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है, यानी कि बैक साइड देखेंगे टॉप पर ट्रिपल कलर के हाउसिंग एलईडी फेस के साथ, वहीं नीचे रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंचोल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 90% के आसपास बॉल टू रेशियो होगी। कलर्स की बात करें, मल्टीपल कलर्स बताए जा रहे हैं, पहला होगा ब्लैक, फिर होगा सिल्वर, ब्लू, ग्रीन, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि येलो भी देखने को मिल सकती है, ये कलर चेंज भी किया जा सकता है। बट सवाल है कंट्री कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले जबरदस्त होने वाला, कंटेंट कंज्यूम करने में लिटरली मजा आएगा, कि हम मिलेगा 6.67 इंच की 2K का 12 बिट्स का TCL का हॉक्सिंग OLED पैनल, 3200x1440 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 एस्पेक्ट रेशियो, 526 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 4500 nits की पिक ब्राइटनेस, 120Hz की रिफ्रेश रेट, 480Hz की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइडबैंड L1 Dolby Vision सपोर्ट, शानदार है भाई साहब, यहां पर 2K की डिस्प्ले पर 12 बिट्स का है, जबरदस्त क्वालिटी होगी। Amazon YouTube पर HDR कंटेंट रगा के दे सकते हैं, क्योंकि Netflix सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर Dolby Vision में सपोर्ट है, HDR10 प्लस और वाइडबैंड L1 है ही, ब्राइटनेस शानदार, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इवन रिफ्रेश रेट टच सैंपलिंग रेट कॉम्बिनेशन शानदार है, सोशल मीडिया पर इसको गेमिंग करने में मजा आने वाला है। अब गेमिंग की बात आई है, दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई यहां पर प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है? चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि इस डिवाइस को शक्ति देगी Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, यानी कि 8 Gen 4 भी कह सकते हैं, नामकरण कर दिया गया, बस 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाया गया है। एनर्जी इफिशियंसी जबरदस्त है, हीटिंग और काफी कम देखने को मिलता है, कितना पावरफुल है चलिए नजर डालते हैं इसके रॉ। तो यहां मिलता है वन कॉर्टेक्स X925 जो कि 4.32 GHz क्लॉक किया गया है, 6 कॉर्टेक्स A725 जो कि 3.53 GHz क्लॉक किया, परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ है,
ऊपर से सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस मिले, रॉकेट की तरह काम करने वाला गेमिंग 90 FPS तक कर सकते हैं। मिलता है एड्रीनो 830G के साथ LPDDR5XM UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखो मिलता है, रीड राइट की सबको ऑसम मिलने वाली 11.5G बैंड के साथ। रही बात ऑनडोर की तो 31 लाख के आसपास देखो मिलता है, यानी कि भाई साहब परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ है, प्लस वेपर चैम्बर कूलिंग का भी सपोर्ट मिलता है, हीट के चांस बहुत ही कम होने वाले हैं। अब भाई सवाल है कि इमेज वीडियो और सेल्फी लेंगे क्वालिटी कैसी होगी, चलिए बात करते हैं कैमरा। दोस्तों कैमरा की बात करें, कैमरा भाई लाजवाब देखने को मिलने वाला है भाई साहब, सेंसर शानदार यूज किए गए, तीनों कैमरा शानदार हैं। पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ ओनी विजन X8000 सीरीज, वहीं 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सैमसंग का JN5 सेंसर जो कि 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, वहीं 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सैमसंग का KD1 सेंसर यूज किया जाएगा। जबरदस्त भाई साहब 8K 30fps 4K 60fps 1080p 4K रिकॉर्ड कर सकते, क्वालिटी बम्पर होने वाली है। रही बात आपके खूबसूरत चेहरे को रील्स बनाने के लिए, यहां मिलेगा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ओमनी विजन 20B 40 वाला सेंसर, यानी क्वालिटी बम्पर होगी, 4K 1080 60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि ऑन पे तो जबरदस्त है। ऑप्टिमाइज कैसे करती है वो तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब बात सवाल है कि इस सब चलने में कितना में इसकी बैटरी मिलेगी, बैटरी की बैटरा, चलिए बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों सारी कंपनियां तो बैटरा दे दी है तो ये कैसे पिछड़ेगी, तो बैटरी नहीं मिलेगी, क्या बात कर रहे हैं जी हाँ बैटरा मिलेगा इस डिवाइस को, जान फूकने के मिलेंगे पूरे 6500 mAh का बैटरा, 90W की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा, बैकअप शानदार रखा देगा, डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर है सब सेंसर से मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी फ्लैंज कांचर पुटर एनएफसी यूएसबी टाइप सी पोर्ट डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर आउट ऑफ डिब्बा, साथ ही हाइपर ओएस सस्ता सा आईओएस से मिला तो मिला जुला सा है, इतना सही नहीं है, कई लोगों ने बोला है इतना खास नहीं है, इसका यूआई एक्स में डिसेंट मिलता है, लेकिन 3 साल एंड्रॉइड 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। लेकिन अब बात करें इसके वेरियंट की, भाई वेरिएंट्स की बात करें ना, सोर्स का पता चला कि मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिल सकता है, इसमें से कितना भारत मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जो वेरिएंट्स वो सुनिए, इसका बेस रेंज होगा 12+256, 16+256, 12+500, 12+1 TB, ऑप्शन जबरदस्त है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन, बट सवाल है कि पैसे कैसे कमाएंगे और इस डिवाइस की प्राइस क्या हो सकती है, सब कुछ बताऊंगा, बस एक छोटा सा टारगेट है, क्या 200 लाइक का टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली साथ, चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपको फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की, बात करना प्राइस बताना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए स्पेक्स अभी लीक्स हुए हैं, यहां पर लीक निकल सामने आए हैं, डिजाइन कैसा होगा अभी ये पता नहीं चला है, कुछ हूबहू यही और सर्कुलर शेप में बताया भी जा रहा है, कैमरा लेआउट चेंज हो सकती है, बट मैं ये आप पर छोड़ता हूं, अभी जो स्पेक्स आपने देखा मैंने माल मसाला जिसके अंदर है और डिजाइन कुछ वैसा हुआ, डिजाइन की हम बात करें, डिजाइन अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, बट माल मसाला को देखते हुए यानी कि जो स्पेक सामने आई है उसके हिसाब से प्राइस क्या हो सकती है, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है कि आप अपना ओपिनियन शेयर करते रहिए ताकि मुझे पता चलेगा और जो नए व्यूवर है उनको पता चलेगा, तो कुछ कमेंट पर रिप्लाई करने में मजा भी आता, तो कमेंट सेक्शन इसलिए बना हुआ, खेलते रहिए कमेंट खेलते रहिए, यहां पर कमेंट इसलिए खेलने के लिए बोल रहा हूं, जितना कमेंट करेंगे उतने चांसेस इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के, मंडे टू सैटरडे इवन संडे वाले वीडियो में जितना कमेंट करेंगे ना, संडे वाले वीडियो में रैंडमली कमेंट सेलेक्ट किया जाता है पूरे एक हफ्ते के बीच का, एक विनर का नाम अनाउंस होता है, प्यार ज्यादा रहा तो 2-3 विनर हो जाते हैं, प्राइज मनी क्या होगी कैसे क्लेम करना सब बताया जाता है, कमेंट करते रहिए प्यार बरसाते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए कि अगला नंबर आपको तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली। वो आ गया, देखो वो आ गया।